Hey guys, कैसे आप लोग? आप सबको पता है आज बजट अनाउंस हो रही है. नाउ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे, हर जगह बजट से रिलेटेड जो भी चेंजेस हुए हैं इनकम टैक्स में, जीएसटी वगैरह में, वो सब इंफॉर्मेशन अपलोड होना स्टार्ट हो गई है. नाउ द थिंग इज कि एक क्वेरी हमेशा से आती है कि सर इसका एग्जाम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा. सो मैं एकदम क्लियरली बोलता हूं, जो भी अमेंडमेंट्स, जो भी अनाउंसमेंट्स आज हो रही हैं, उसका ना ही मई 2020 ना ही नवंबर 2020 में इंपैक्ट पड़ने वाला है. ये सब इंपैक्ट नहीं करेगा. सो अगर आपका एग्जाम है मई 2020 या नवंबर 2020 में, या तो आप थोड़ा दूर रहिए, या अगर आप देख भी रहे हैं तो बिल्कुल देखिए, बट उसे अपने एग्जाम्स की जो कंटेंट है, जो आपको बुक्स वगैरह या जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे लिंक मत कीजिएगा. इस बार स्लैब वगैरह सब चेंजेस हुई है, और मैं अभी क्लास में था, जस्ट अभी क्लास ओवर हुई है, बट पता चल गया कि स्लैब वगैरह चेंज हुई है. उसका आप बस देख लीजिए, एग्जाम कंटेंट से रिलेट मत कीजिएगा, फालतू में अनड्यू कंफ्यूजन क्रिएट होगा. ठीक है, सिर्फ बस छोटा सा मैसेज है, इन अमेंडमेंट्स का एग्जाम्स ना ही मई ना ही नवंबर, दोनों ही एग्जाम में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. इसका इंपैक्ट पड़ेगा मई 2021 में एंड नवंबर 2021 में. ठीक है, होप आपको ये बात समझ में आई होगी, कि वर्किंग हार्ड, आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट. ऑल द बेस्ट, टेक केयर.